हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कपड़ा उद्योग में 2000 लोगों को मिला रोजगार। सीएम हेमंत सोरेन बोले, युवाओं के हुनर को सम्मान दे रही है राज्य सरकार। झारखंड के कपड़ा उद्योग इकाइयों में 2000 लोगों को रोजगार मिला है, इसमें 80% महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। रांची जिला अंतर्गत और मांझी के कुल्ही स्थित 4 कपड़ा उद्योग कंपनी किशोर एक्सपोर्ट्स, द वेस्ट बैंड, श्री गणपति क्रिएशन एंड वेलनेसिया अपेरल की औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन किया। मौके पर सीएम श्री सोरेन ने चंदवे कुल्ही पथ का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के खत्म होते ही राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। इस संबंध में एक बेहतर जो है रूपरेखा बनाई जाए, जिससे लोगों को रोजगार मुहैया कराई जा सके। राज्य में जो है टेक्सटाइल पॉलिसी सहित अन्य जो है रोजगार परक गतिविधियों के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो आज 7 दिसंबर के बाद झारखंड में बढ़ जाएगी ठंड। जावाद तूफान अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन आज भी इसका आंशिक असर झारखंड में रहेगा। आज भी कई जिलों में दिन में बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हो सकती है और दिन में हल्की हवा भी चलेगी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात जावाद की वजह पुरवैया हवा ही है और इसका असर भी सामने आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 दिसंबर से झारखंड में ठंड बढ़ जाएगी। अभी तक सुबह और शाम के समय ठंड ज़्यादा लगती थी और दिन में मौसम गर्म रहता था, लेकिन आज 7 दिसंबर के बाद यह सीन बदल जाने का अनुमान है। खासकर शाम होने के बाद अधिकांश इलाकों में कुहासा बढ़ेगा और सुबह और शाम लोगों को कनकनी का सामना करना पड़ेगा और ठंड बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 24 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। रांची में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में सिविल सर्जन ऑफिस में 24 पदों पर वैकेंसी निकली है, इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। सिविल सर्जन ऑफिस में मेडिकल ऑफिसर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सहित कुल 24 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए ranchi.nic.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में डालिमिया ग्रुप 567 करोड़ की लागत से लगाएगा सीमेंट प्लांट। सीएम हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में स्थापित होने वाले डालिमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के नए संयंत्र का सोमवार को शिलान्यास किया। बोकारो में डालिमिया की ये दूसरी यूनिट होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है जो औद्योगिक घरानों के साथ साथ झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए भी अनुकूल है। उन्होंने डालिमिया से अपील की है कि वे इस प्लांट में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान की नमी जांचने के लिए मशीन खरीदेगी सरकार। खाद्य आपूर्ति विभाग 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू करने का लक्ष्य रखा है, पर उसे आशंका है कि कहीं किसान धान में नमी होने या गीले होने की स्थिति में भी उसे बेच सकते हैं। इसी स्थिति से बचने के लिए विभाग ने मशीन खरीदने की योजना बनाई है। मॉइस्चराइजर मीटर एंड सीड जो है ग्रेन एनालिसिस किट के जरिए धान की नमी या गीलेपन को परखने में मदद मिलेगी। इस किट के जरिए देखा जा सकेगा कि धान में नमी की मात्रा 17% से कम है या नहीं। जिस धान में 17% से अधिक नमी या गीलेपन होगा उसकी खरीद नहीं की जाएगी। जितने भी क्रय सेंटर होंगे उनमें इस किट को लगाया जाएगा। फिलहाल राज्य में धान बिक्री के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में कोरोना की नई वैक्सीन जायकोडी भी कम वैक्सीनेशन वाले जिलों से होगी। इसकी शुरुआत सुई या सिरिंज की जगह इसे एप्लीकेटर के जरिए लगाया जाएगा। जल्द ही झारखंड में जायडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोडी भी टीकाकरण अभियान में शामिल हो जाएगी। इस टीके का इस्तेमाल बच्चों का टीकाकरण 12 साल से ऊपर के लिए होना है, लेकिन राज्य में इससे पहले 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाने की तैयारी है। यह वैक्सीन सिरिंज या सुई से नहीं बल्कि एप्लीकेटर के जरिए लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड समेत देश के 7 राज्यों में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी।
है। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड पंचायत चुनाव 2021, मुखिया की इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी महिलाएं, सभी सीट एसटी के लिए आरक्षित। झारखंड पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट के बीच तैयारी तेज हो गई है। प्रशासनिक तैयारी जहां अंतिम चरण में है, वहीं प्रत्याशी भी अपने स्तर से जुड़ गए हैं। खूंटी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया की आधी सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेगी, इसके लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। खूंटी जिले में मुखिया की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगली बड़ी खबर की बात करो, प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की ओर से झारखंड के सभी स्तर के स्कूल कॉलेजों में प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने की मांग की गई है। इसको लेकर 16 दिसंबर से होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान मांग को रखने के लिए संघ की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री शाह विधायक सुदेश कुमार महतो, पूर्व मंत्री शाह विधायक बंधु तिर्की, चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा, पूर्व मुख्यमंत्री शाह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक समरीलाल, विधायक लंबोदर महतो, विधायक उमाशंकर अकेला को मांग पत्र सौंपा गया है। उनसे विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल में मांग रखने का आग्रह किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, तो सरकार का बड़ा फैसला, 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जिलावार अध्यक्ष घोषित, मंत्रियों को मिली अध्यक्ष की जिम्मेवारी। राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के नाम पर मुहर लग गई है। झारखंड सरकार के मंत्रीगण को राज्य के सभी जिलों हेतु जिलावार 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया गया है। इसमें साहिबगंज, गोड्डा, बोकारो के लिए आलमगीर आलम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला के लिए रामेश्वर राव, दुमका, देवघर, जामताड़ा के लिए चंपई सोरेन, पाकुड़, पलामू, लातेहार के लिए जोबा मांझी, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग के लिए सत्यानंद भुक्ता, धनबाद, सरायकेला खारसावां, बन्ना गुप्ता, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के लिए बादल पत्रलेख, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के लिए मिथिलेश ठाकुर, कोडरमा, गिरिडीह के लिए हफीजुल हसन, रांची के लिए जगन्नाथ महतो को अध्यक्ष चुना गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, पलामू में चोरों का आतंक। पिपरा में एक रात में 3 घरों में चोरी, आभूषण व पैसे संग जमीन के कागजात तक ले गए अपराधी। पलामू जिले में चोरी की घटनाएं लगातार घट रही है। रविवार की रात पिपरा थाना क्षेत्र के गहुरा गांव में एक साथ 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसमें घरों में रखे आभूषण, रुपए के साथ साथ जमीन के कागजात तक अपराधी अपने साथ ले गए हैं। सोमवार को तीनों परिवार की तरफ से थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों से मांग की गई है कि वह जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार करे। पिपरा थाना क्षेत्र के गहुरा गांव में बीती रात चोरों ने खूब उत्पात मचाया है। इस दौरान गांव के रहने वाले महेश पांडे, मनोज चंद्रवंशी तथा सोनी देवी के घर से रखा जेवर एवं पैसा लेकर फरार हुए हैं। तीनों घरों को मिलाकर करीब 4.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करो, लेबी लेने पहुंचे भाकपा माओवादी को पुलिस ने धर दबोचा, अंधेरे में भाग निकला दूसरा नक्सली। झारखंड की पलामू पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ सोमवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने लेबी वसूलने पहुंचे नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य नानू राम को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान दूसरा नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस को लेबी के लिए रात में इनके जो है पहुंचने की गुप्त सूचना मिली थी, इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। अगली बड़ी खबर की बात करो, कोडरमा में 3 माह बाद कोरोना ने फिर दी दस्तक, कन्हैया मध्य विद्यालय की एक छात्रा मिली पॉजिटिव। जिले में 3 महीने बाद कोरोना के दस्तक से जिले में एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय स्थित कन्हैया मध्य विद्यालय की एक 12 वर्षीय छात्रा कोरोना से पीड़ित पाई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि जांच टीम ने बीते शनिवार को उक्त विद्यालय के सभी छात्रों का सैंपल लिया था, जिसमें उक्त छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली। अगली बड़ी खबर की बात करो, हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल, बीजेपी 2-2 हाथ करने को तैयार। झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर आकलन की राजनीति गर्म है। जहां एक तरफ सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी 2-2 हाथ करने को तैयार है, वहीं सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों के साथ राजनीति के मैदान में गठबंधन का झंडा बुलंद करने में जुटा है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का कहना है कि पार्टी हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ 2-2 हाथ करने को तैयार है। हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के वायदे से लेकर गिरती कानून व्यवस्था के सवाल पर बीजेपी लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। प्रदेश बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुट गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे विश्व का मूल धर्म है प्राकृतिक सरना धर्म। डॉक्टर कर्मा, प्राकृतिक सरना धर्म विश्व धर्म है लेकिन आज तक उसे पहचान नहीं दी गई है। यह बातें डॉक्टर कर्मा उराव ने कही है। वे सोमवार को दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में हुई राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में बोल रहे थे। इसमें विभिन्न राज्यों के सरना धर्मावलंबियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर कर्मा ने कहा कि प्राकृतिक मानव और अलौकिक शक्ति के बीच संबंध स्थापित करने वाला सरना धर्म विश्व धर्म के रूप में है, इसलिए हमें सरना धर्म कोड के रूप में अगले जनगणना परिपत्र में अधिसूचित कर भारत के आदिवासियों को धार्मिक आजादी प्रदान की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर थाना की पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में। गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा टाउन व साइबर थाना की पुलिस टीम ने रविवार देर रात जामताड़ा व नारायणपुर थाना क्षेत्र के कई गांव में छापेमारी कर 5 साइबर आरोपितों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों से जामताड़ा टाउन थाना में सोमवार की सुबह से शाम तक पुलिस की गहन पूछताछ जारी रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में लिप्त 21 नशेड़ी अरेस्ट। नशे के सौदागरों के खिलाफ झारखंड पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। सरायकेला जिले में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री मामले में छापेमारी कर 21 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना क्षेत्र का है, जहाँ ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना मिलने पर गम्हरिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजू कुमार सिंह ने एक छापेमारी दल का गठन किया और छापेमारी के दौरान 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पदोन्नति पर लगी रोक को वापस ले सरकार, नहीं तो मुख्य सचिव होंगे कोर्ट में हाजिर। हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा किए जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जल्द ही राज्य सरकार की ओर से पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने के लिए आदेश पारित कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि अगर अगली सुनवाई से पहले पदोन्नति पर लगे रोक को राज्य सरकार वापस नहीं लेती है तो 20 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के कामसा स्टील ऑफिस में अपराधियों ने कर्मचारियों को बनाया बंधक, करीब 10 लाख की हुई लूट। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव शान वर्मल शर्मा ने जमशेदपुर स्थित जुगसलाई ब्रांच राम टेकरी रोड स्थित कामसा स्टील इंडस्ट्रीज के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने 9,83,000 रुपए लूट लिए हैं। अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर कर्मचारी बजरंग लाल शर्मा को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया है। लूट की सूचना पर जुगसलाई पुलिस के साथ एसएसपी डॉक्टर एम जोहेद तमिल वानन और सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट मौके पर पहुंचे और बजरंग लाल शर्मा से पूछताछ की है। पुलिस को अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसके आधार पर जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में वन रक्षकों पर जानलेवा हमला। चोरी रोकने गए वन कर्मियों को लकड़ी माफियाओं ने पीटा, डीएफओ ने संभाला मोर्चा, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरा मशीन सील। झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध लकड़ी तस्करी रोकने गए वन कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ है। इसमें 5 वन रक्षक घायल हो गए हैं। माफिया अवैध लकड़ी से लदा वाहन छुड़ा कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएफओ मनीष तिवारी ने खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक आरा मशीन को भी सील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड अलर्ट। रिम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 100 बेड तैयार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के बाद केंद्र सरकार इस मामले पर गंभीर है और एहतियातन तमाम उपाय कर रही है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो यहां भी राज्य सरकार पहले और दूसरे लहर की त्रासदी को देखते हुए इस बार अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी है। रिम्स में अस्थायी वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में 100 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड भी लगाए गए हैं, जिससे जो है आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड से धराई गाड़ियों की लुटेरी। लवली बैंक अधिकारी बन महंगे होटल में ठहरती थी, हाईवे पर लिफ्ट मांग कर लूट लेती थी गाड़ियां, पटना से चलाती थी गिरोह। रांची पुलिस ने गाड़ियों की लूट करने वाले इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस अभियान में इनकी सरगना लवली सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड स्थित इंद्रपुरी से गिरोह का संचालन कर रही थी।
बैंक अधिकारी बन महंगे होटल में ठहरती थी, यही अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मीटिंग भी करती थी। इतना ही नहीं, लवली सिंह हाईवे पर लिफ्ट मांगकर वाहनों के लूट को अंजाम देती थी। एक निर्धारित जगह पर उसके सदस्य पहले से ही खड़े रहते थे, उस जगह पर पहुंचते ही वह अपने सदस्यों की मदद से गाड़ी लूट लेती थी। रांची पुलिस ने सरगना लवली सिंह को जाल बिछाकर हजारीबाग से गिरफ्तार किया है। अगली खबर की बात करें तो राशन कार्ड पर फर्जी सदस्य बनाकर अनाज की कालाबाजारी करता था डीलर। रांची शहरी क्षेत्र के जनवितरण प्रणाली के दुकानदार कामेश्वर बड़ाई के दुकान पर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रांची के विशिष्ट जो है अनुभाजन पदाधिकारी ने उनके जो है स्पष्टीकरण को नामंजूर कर दिया है और 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। समय पर जवाब नहीं मिलने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के आने की सूचना पर उसके गढ़ में घुसी गुमला और लोहरदगा जिले की पुलिस, चला सर्च ऑपरेशन। गुमला और लोहरदगा जिले की पुलिस ने भाकपा माओवादी के खिलाफ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू, रंतु उराव और बलराम अपने दस्ते के साथ बिशुनपुर प्रखंड के रिसापाट गाँव में ठहरे हुए हैं। इस सूचना के बाद दोनों जिला की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू की, पर नक्सली नहीं मिले। इस दौरान जो है जंगलों में पुलिस ने बाइक और पैदल नक्सलियों के ठिकाने पर गए। इस दौरान जो है पुलिस के आने की सूचना मिलते ही नक्सलियों ने अपना ठिकाना ही बदल दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।